हेलो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी एक भूतिया घर पर आधारित है। इसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कृपया करके इस कहानी को पूरा सुनिए। बहादुरगढ़ शहर में एक बहुत पुराना घर था। सब लोग उस घर को भूतिया और उद्देश्य ताकत का घर मानते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उसकी बहुत ही अजीब कारण के से मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए कोई भी शख्स उस घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक बार एक विजय नाम का आदमी ने उस भूतिया घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और जल्द ही अपना सारा सामान उस भूतिया घर में जमा कर लिया। वह अपने बेटे मोनू के साथ उस भूतिया घर में रहने लगा। घर में शिफ्ट होने के बाद एक दो दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगी। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता था, लेकिन जब उसको घर में किसी के होने का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और बोला, वॉशरूम में पानी आना अचानक बंद हो गया है और वहां पर एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत है। इतना कहकर मोनू चुप हो गया और विजय की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, पापा वही औरत आपके पीछे भी खड़ी है। मोनू बहुत सहमा हुआ था। विजय उसके डर को भगाने के लिए उसे एक कुत्ता खरीद कर दे देता है। विजय और मोनू कुत्ते को लेकर वापस घर आते हैं। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी अचानक घर में बिजली चली जाती है। विजय ने घर की एक खिड़की से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, बस एक उन्हीं के घर में बिजली नहीं आ रही थी। तो उसे लगा कि पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ गया होगा। इतने में ही विजय को मोनू की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय तोर से मोनू के पास भाग कर जाता है। मोनू को घर में फिर से वही औरत नज़र आती थी। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ ही बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस में ले जाता है। इनका कुत्ता भी इधर उधर देखकर जोर जोर से भौंकने लगा था। विजय को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब विजय पावर हाउस का दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने एक लाश पड़ी दिखाई देती है। लाश को देखकर मोनू डर से चिल्लाने लगता है। विजय मोनू को लेकर तुरंत दरवाज़ा बंद करके घर से बाहर भागने की कोशिश करता है। बाहर निकलते समय अचानक ही विजय के पांव दरवाजे के पास बनी सीढ़ियों में फंस जाता है। विजय बहुत कोशिश करता है पर उसका पांव बाहर नहीं निकलता है। मोनू भी विजय को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी विजय बाहर नहीं निकल पाता है। कोई उपाय ना सूझने पर मोनू अपने कुत्ते के साथ घर के अंदर वापस चला जाता है और दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। विजय भी 15 मिनट तक अपने पांव को बाहर निकालने की कोशिश करता है और अंत में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करने में लग जाता है, लेकिन उसे मोनू और कुत्ता दोनों ही नहीं मिलते हैं। बहुत ढूंढने पर भी दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मानकर वह उनके मिलने का आसपास में उसे घर रहने लगता है। कुछ दिनों बाद विजय बिजली की सप्लाई को सही करवाने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवाता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन घर में जाने से पहले वहां से भाग जाता है। जब विजय उसे इलेक्ट्रिशियन से भागने का कारण पूछा है तो इलेक्ट्रिशियन ने उसे बताया कि उस घर में एक औरत बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई देता है। उस इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर विजय बहुत उदास हो जाता है। कुछ दिनों में विजय को भी एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा
लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद विजय इस घर को छोड़कर चला जाता है और कभी नहीं लौट आने की कसम खाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।